कैथल बेकिंग टीवी की खबर का हुआ है असर। जी हाँ, कैथल में उपायुक्त ने कैथल बेकिंग टीवी की खबर को देखा तो तुरंत एक्शन में नजर आए। आपको बता दें, कल ही हमने एक खबर दिखाई थी, खबर में दो तीन मासूम बच्चों को चोट लगी थी सांडों की लड़ाई के कारण। बच्चे आ रहे थे, उनको चोट लग गई। कैमरे के सामने हमने जब दिखाया कि बच्चों को किस तरह चोट लगी थी, वो वीडियो जब कैथल के उपायुक्त ने देखी तो तुरंत संज्ञान लिया गया और आज ही तमाम समाज सेवियों की एक मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में क्या कुछ हुआ वो भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि हम वो तमाम मुद्दे उठाते हैं जो मुद्दे कैथल की जनता से जुड़े हुए हैं। इसीलिए हमने सोचा कि जो ये आवारा पशुओं वाला मामला है वो उठाया जाए और प्रशासन को बताया जाए कि कितनी गंभीर समस्या बन चुकी है और इसी समस्या को निदान के लिए आगे कैथल के उपायुक्त ने तमाम अधिकारियों से वार्तालाप किया है, समाज सेवियों से सुझाव मांगे हैं और कहा है कि इस बात का जल्दी ही समाधान किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि कैथल के उपायुक्त ने अब कमर कस ली है कि जो आवारा पशु कैथल की सड़कों पर घूम रहे हैं, अब उनको किसी न किसी तरीके से, चाहे कोई एजेंसी हायर की जाए या तमाम जो कर्मचारी हैं उनको लगा करके नंदीशाला में पहुंचाया जाएगा, या तमाम जो भी हो सकता है तमाम उचित ठोस कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आज कैथल के उपायुक्त ने एक विशेष बैठक ली है जिसमें कैथल के उन तमाम लोगों को आमंत्रित किया जिन लोगों से सुझाव मांगे जाने थे, जिसमें कैथल की वो तमाम समाजसेवी संस्थाओं ने अपने अपने सुझाव भी दिए हैं और सुझाव जो दिए गए हैं उन सुझावों पर कब अमल में लाया जाता है, क्या कुछ एक्शन होता है, देखने वाली बात है। आप देख पा रहे हैं कैथल ब्रेकिंग टीवी की ये विशेष रिपोर्ट। ना बड़े आगे इसके साथ साथ डीएसपी साहब आए हैं कुलवंत जी, एसपी साहब से मैंने बात किया है, दूसरे जिले का भी कोई गोवंश यहाँ पे ना छोड़ जाए, ये बहुत ही विकराल स्थिति ना ले ले, ऐसा कुछ कोई अनहोनी ना हो जाए हमारे कैथल निवासी के साथ, इसको लेकर प्रयास है। इसमें जो हमारा पार्टिसिपेशन है कुछ इस तरह का रहेगा, जो गौचरण की भूमि जिस पर कब्जे कर रखे हैं लोगों ने, जहाँ अवेलेबल जहाँ गौशाला वो गौचरण की भूमि में से रूल्स को चेक किया जाएगा, अगर उनको दे दिया जाए, जैसे हमारी नंदी गौशाला जो है उसके लिए हम सरकारी ज़मीन देते हैं, उसका जो आवक होती है गेहूँ है धान है वो सारा गौशाला में ही जाता है। तो ये जो समस्या है ना हम अकेले इसको ठीक कर सकते हैं, ना जो गौशालाएँ हैं जो समाज अपने स्तर पर कर सकते हैं, ये मिल के करना होगा। हमारे जो मीडिया कर्मी हैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके ये न्यूज़ दिखाने से ही ये जो अब इशू है ये हाईलाइट हुआ है और ये हाईलाइट बिल्कुल ठीक हुआ और इस पर सोल्यूशन की जरूरत थी। और आपके माध्यम से मैं मैसेज देना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस इशू को रेज़ करते रहें और जो अफसर अगर ठीक काम करें तो उनका नोटिस भी हो कि ठीक है जनता को पता चले कि ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। सर एक रिपोर्ट देखने में आया, जो पालतू पशु हैं उनको लोग जैसे दूध निकाल कर छोड़ देते हैं, उसके बाद शाम को फिर बांध लेते हैं, उनकी वजह से भी बहुत उनको फाइन किया जा सकता है इस तरह के लोग उनको लेके। तो ये है जी, उनका पशु जितने का भी हो हम उसको अपने पास ही रख लेंगे, जब हम बेसहारा पशुओं को रख रहे हैं तो उनको वापस नहीं देंगे आपकी बार। तो फाइन का भी प्रावधान है कोई? फाइन भी करेंगे जब ओनरशिप ही खत्म कर देंगे, उनका देख लेंगे कहाँ से ऑर्डर लेके आएंगे वो लोग, किसके सिफारिश कराएंगे। सर ये ठीक है डीएमसी साहब? जी सर, हम उनको वो पशु वापस नहीं देंगे। जी सर, सर एक दिक्कत हो रहा है, एक बार तो मान ले सड़कों से हट जाएंगे उनको वहाँ झोपड़ा वगैरह डाल देते हैं, उसके बाद थोड़े दिन बाद दोबारा सड़कों पर आ जाते हैं। देखिए उसको लेके जैसे सीटीएम साहब ने एसडीएम साहब ने सजेस्ट किया है, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन किया जाएगा, ये इंश्योर किया जाएगा कि आईपी कैमरास लगा के या फिर कोई सेंसर्स लगा के जहाँ हम भेज रहे हैं वो वापस तो नहीं आ रहे वहाँ से। देखिए इसमें मैं फिर वही बात करता हूँ, जो अकाउंटेबिलिटी है जवाबदेही जो होती है वो ईमानदारी के साथ होनी चाहिए कि भाई हमने ईमानदारी से वो एफर्ट्स किए। कुछ लोग गौशालाएं थोड़ा सा लापरवाही करते हैं कि उनको पशुओं को छोड़ देते हैं, हमें कह देते हैं कि हम ले लेंगे उनको, कहीं ना कहीं उनको गौशाला संचालकों को भी मैं कहना चाहूँगा कि जी अब मौका नहीं है, हो सकता है वो हादसा मेरे साथ हो जाए, हमारे किसी कैथल निवासी और किसी के साथ हो जाए, हम भी ट्रैवल करते हैं, हमारा कोई प्रिय हो सकता है, कोई आमजन हो सकता है, तो इस समस्या में बिल्कुल सख्ती हम सख्ती से काम करेंगे बिल्कुल। और इसके अलावा जो खच्चर घोड़े ये भी सड़कों पर अक्सर देखने मिलते हैं, हाँ जी प्लीज आप, हाँ जी मैं वही कह रहा हूँ, जैसे एक तो बेसहारा गोवंश हो गया, एक जो और बेसहारा जो पशु हैं उनको भी हम पहुँचाएंगे वहाँ पर और उनका जो उचित इलाज होगा वो भी कराएंगे यहाँ पर एसडीओ साहब भी एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से। डिसीजन ये लिया गया है जी, जो बेस्ट प्रैक्टिस है एक तो वो देख के आने, दूसरा हम पट्टी कायस्था भी जा रहे हैं, इसके जस्ट इस मीटिंग के बाद बैंकर्स के साथ मीटिंग है वो देखेंगे, हम सीनियर ऑफिसर्स जा रहे हैं ताकि जो डिसीजंस लेने हैं ना उसको हम कागज़ पे लेके चीज़ों को, जैसे एग्जांपल कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि जी पट्टी कायस्थ में कि एक्स्ट्रा बाउंड्री बना लीजिए बाकी हम हैंडल कर लेंगे, ठीक है जी
बाकी जो कई गौशाला ने हमसे हेल्प मांगी कि जी आप जैसे अपील कर देंगे लोगों से दान करने के लिए, वो ये नहीं कहते हमें पैसा दे दो गौशाला वाले, वो कहते जी तूड़ी दे दो एक ट्रॉली। अब सीज़न आने वाला है, जैसे तूड़ी आएगी तो वो मिल जाए उनको, या और कोई सहयोग जो भी करना चाहे। मैं आप लोगों के माध्यम से कैथल के जो बिजनेसमैन कम्युनिटीज़ हैं, आम और ख़ास जन को सभी को कहना चाहूँगा कि जो गौशाला में हैं, जो आप खुद जाके वहाँ पर दान करके और सामान दान कर दें, पैसा देने का जरूरत नहीं, आप सामान दे दें, चारा दे दें, हरा चारा, सूखा चारा, जैसे भी खल बिनोला जो भी आप दे सकते हैं, चना तूड़ी का स्पॉन्सर कर दें, एक तूड़ी का पैसा दे गए, तूड़ी का पचवा ही दें वहाँ पर। जी, जैसे आज मीटिंग हुई है जो गोवंश को लेकर, तो क्या कुछ मुद्दे रहे, क्या कुछ बातें? देखिए सर, कैथल शहर की जो सबसे बड़ी आज जो समस्या है वो है गोवंश के ऊपर, जिसको हम गौ माता कहते हैं, और अब शायद वो आवारा भी हो गई और बेसहारा भी हो गई। बड़े ही मेरे दुख के साथ सूचित किया जाता है कि इतने दिन से हमने गौवंश के ऊपर जो काम कर रहे हैं, सरकार को भी संचेत किया, जिला प्रशासन को भी किया, नगर पालिका को भी किया, लेकिन तकरीबन कुल मिला के अभी तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि इन गौशालाओं को, गौ माता को गौशाला में छोड़ा जाए। आज शहर में 31 वार्ड हैं, 31 वार्डों में लगभग 900 से 1000 के आसपास गायें घूम रही हैं। डीसी मोदी साहब ने आज ये मीटिंग ली थी, जिसमें प्रशासन के लोग थे और सामाजिक संस्थाओं के लोग थे, सभी ने अपने अपने मुद्दे रखे, हमने भी रखे, सभी ने रखे। तो आज डीसी साहब ने, मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि डीसी साहब ने जो ऐसी सोच है कि उन्होंने लोगों की समस्या के बारे में आज मीटिंग ली और उसका सुझाव भी हमने मांगा और सुझाव दिया भी। डी साहब ने कहा कि हम आज से ही शुरू करेंगे, नगर पालिका के कमेटी, कुलदीप जी भी हमारे साथ थे, उन्होंने आज ही शुरू कर दी गायें पकड़ने के लिए, और जितनी भी गायें पकड़ी जाएंगी आज कल 2-10 दिन तक सभी गायों को नंदी गौशाला में, कृष्ण गौशाला में या अन्य गौशाला में छोड़ा जाएगा, जिससे शहरवासियों को बड़ी ही मुर्गे की राहत मिलेगी जो हर रोज़ आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। जी राजू जी, इससे पहले आप जैसे धरने पर भी बैठे थे, पर उसके बाद भी कहीं ना कहीं समस्या का समाधान नहीं हो रहा हर बार, मतलब ये सर हम पिछले साल 2021 में 26 और 27 जुलाई को धरने पर बैठे थे कैथल में, और वहाँ पर हमारे पास बड़े नेतागण भी आए थे और उन्होंने बड़ा आश्वासन दिया था कि बहुत जल्दी समाधान होगा। उसके बाद हम मुख्यमंत्री जी से भी मिले, ओएसडी साहब से मिले, लेकिन प्रशासन की तरफ से कैथल शहर में गाय को हटाने के लिए कोई भी समाधान नहीं हुआ, और आज देखते हैं कि डी साहब ने जो आदेश दिए हैं वो कहां तक ठीक होंगे, जिसके लिए हम जिला प्रशासन का भी धन्यवाद करेंगे। तो जो क्या संस्थाएं प्रशासन का साथ देंगी जैसे इस मूवी में? सर बिल्कुल, जैसे पिछली बार सामाजिक संस्थाओं ने कोरोना में भी या जहां पर भी जिला प्रशासन को सामाजिक संस्थाओं की जरूरत पड़ती है तो बिल्कुल साथ देते हैं, और जहां सामाजिक संस्थाओं को जिला प्रशासन की जरूरत पड़ती है तो जिला प्रशासन भी साथ देता है, और हम भी अब की बार भी बिल्कुल प्रशासन के साथ खड़े हैं, जहाँ भी हमारी जरूरत होगी हम प्रशासन के साथ काम करेंगे बिल्कुल।